जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद् गीता के अध्याय 6 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 6 का नाम है ध्यान योग। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। यदि आप अपनी आत्मा को गहरे से समझना चाहते हैं और मन में शांति पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः संन्यासी च योगी च न निर्गणीर न चाक्रिय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति कर्म के फल का आश्रय न लेते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि जो केवल अग्निहीन है या जो कोई कर्म नहीं करता। अर्थात जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो यह हमें सच्चे सन्यास और कर्मयोग के मार्ग पर ले जाता है। यम संन्यासम इति पाहु योगम तम विधि पांडव न हय उन्शता संकलोपी योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जिसे संन्यास कहा गया है वही योग है हे पांडव, क्योंकि बिना संकल्पों इच्छाओं के त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। अर्थात जब व्यक्ति अपने संकल्पों और इच्छाओं का त्याग कर देता है तब वह सच्चा योगी बन जाता है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम अक्सर बहुत सारी इच्छाओं और संकल्पों में बंधे रहते हैं, जैसे सफलता पाने की लालसा, दूसरों से तुलना और अपने कर्म के परिणाम की चिंता। असली योगी वही होता है जो इन इच्छाओं को छोड़कर पूरी एकाग्रता और निष्काम भाव से अपने कर्म करता है। संन्यास केवल भौतिक चीज़ों का त्याग नहीं बल्कि मानसिक इच्छाओं का त्याग भी है। आरु वृक्षोर मुनेर योगम कर्मा कारणम उच्यते योडारुदस्य तथैव गम कारणम उच्यते। जब कोई योग के पथ पर शुरुआत करता है तो उसके लिए कर्म यानी कार्य करना जरूरी होता है, लेकिन जब योग में उन्नत हो जाता है तब उसके लिए शांति और मन का स्थिर होना ही मुख्य साधन बन जाता है। अर्थात दैनिक जीवन के कार्य को पूरी ईमानदारी और ध्यान से करना चाहिए। कर्म करने से मन और इंद्रियां नियंत्रित होती है और व्यक्ति आगे की साधना के लिए तैयार हो जाता है। इस श्लोक से हमें सीख मिलती है हर स्तर पर हमारे प्रयास और साधना का तरीका बदलता है। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो कर्म करना जरूरी होता है, परंतु जब हम आगे बढ़ जाते हैं तब शांति और आंतरिक संतुलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदाहि नैन इंद्रियार येषु न कर्मसु अनुष्यजते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब एक व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में या सांसारिक कर्मों में कोई आसक्ति नहीं रखता और सभी संकल्पों का त्याग कर देता है तब उसे योग में उन्नत माना जाता है। उद्रेतात् आत्मानस नात्मानस वासुदेव आत्मेव है आत्मने बंधुरात्मै रिपुर आत्मन। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने मन को साथ कर खुद को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और क्यों ये समझना जरूरी है कि हमारा सबसे बड़ा मित्र और दुश्मन कौन है। व्यक्ति को अपने मन और आत्मा के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिरने देना चाहिए। वास्तव में आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु भी। अर्थात खुद को सही दिशा में रखना और ईश्वर की भक्ति से जुड़ना हमें अंदर से मजबूत बनाता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।